हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेटनिसोल टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के फ़ायदे, नुकसान और इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिन इसका उपयोग किया जाता है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, बेटनिसोल टैबलेट आती है GSK कंपनी की, यानी कि ग्लैक्सो कंपनी की, और इसमें जो सॉल्ट है वो है बीटा मेथासोन सोडियम फॉस्फेट टैबलेट 0.5 mg, और इसका जो MRP है वो है 10 रुपये 65 पैसे 20 गोलियों का। तो चलिए अब बात करते हैं इसके उपयोग के किस काम में आती है। दोस्तों, बेटा मेथासोन एक स्टीराइड है जिसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में किया जाता है, जैसे कि एलर्जी, चर्म रोग, दमा, अस्थमा, दर्द, सूजन, गठियाबाद और जोड़ों के दर्द में, कैंसर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्जिमा, शरीर पर लाल चकत्ते होना, पूरे शरीर में खुजली होना और सूखी खुजली होना, डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम, छाल रोग, सर्दी, खांसी और चेस्ट में इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने कहा है कि यह स्टीरॉयड है तो बहुत से कामों में आता है। ठीक है, इसे लेने का तरीका डॉक्टर आपको पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से बताते हैं। जैसे कि 2 टाइम भी दे सकते हैं, 3 टाइम भी दे सकते हैं, वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी मात्रा की कितनी गोलियों की ज़रूरत है जिससे कि वो ठीक हो सके या जल्दी आराम हो सके। दोस्तों, स्टीरॉयड जड़ से इलाज नहीं होता है, इसे तुरंत आराम के लिए दिया जाता है ताकि तुरंत आराम हो सके। किसी एंटीबायोटिक के साथ दे देते हैं या फिर किसी पेन किलर के साथ दे देते हैं ताकि वो असर जल्दी कर सके और आराम भी उसका बना रहे काफ़ी देर तक। ठीक है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं करता है स्टीरॉयड, तो इसलिए एंटीबायोटिक वगैरह देना साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसे कम से कम 7 दिन तक ही इस्तेमाल, या 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन। दोस्तों, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही डॉक्टर बताते हैं कि 3 दिन चलना है या 7 दिन चलना है या 2 दिन या फिर 10 दिन। ठीक है, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही बताते हैं डॉक्टर। लेकिन दोस्तों, इस टैबलेट का आप लोगों ने अपनी मर्जी से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, नुकसान भी बहुत होते हैं। जैसे कि इसे ज़्यादा यूज़ करने से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, ग्लूकोज की शरीर में मात्रा बढ़ सकती है, पानी भर सकता है शरीर में, जिससे कि आपको मोटापा महसूस होगा और चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, शरीर में खुजली, उल्टी हो सकती है, सॉरी उल्टी हो सकती है, चक्कर हो सकते हैं। और इसे ज़्यादा यूज़ करने से, गलत इस्तेमाल करने से भूख बढ़ सकती है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि स्टीरॉयड का गलत इस्तेमाल करते हैं मोटा होने के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।